आप लोग खुश होंगे वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। अभी रिसेंट यार एक न्यूज़ आई है और अफगानिस्तान में क्योंकि तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, प्रेसिडेंट हाउस में भी घुस गए हैं और सारा उन्होंने बैड सीन चल रहा है वहाँ पे। अभी रिसेंट न्यूज़ आ रही हैं और बड़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि वो जो एयरपोर्ट पे क्या सीन है उनका, जो लोग सारे जाना चाह रहे हैं दूसरी कंट्री में, तो वो एयरपोर्ट का सीन देख लेते हैं। काफ़ी सैड सा है लेकिन हम देखते हैं आपके सामने। लेट्स स्टार्ट। ये सारे अब जा रहे हैं ना, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। देखो बैड सीन है यार, रश है पूरा। तो इस तरह तो कोई भी नहीं जा पाएगा, इस तरह तो कोई भी नहीं जा पाएगा। ये देखो धार कैसे रहे हैं लोग। ये क्या है? फायरिंग भी स्टार्ट कर दी है। ये हिंदी में लिखा हुआ है। भाई अंदर टनल में इतने लोग हैं, कैसे जाएंगे सारे? पता नहीं आसपास की कंट्रीज में जाएंगे कहीं, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ये वो लोग हैं जो तालिबान के साथ नहीं मिले, बाकी सारे सबने तालिबान को क्लेम कर लिया है कि तालिबान है। वो वहीं पे है, ये वो लोग हैं जो तालिबान को नहीं चाह रहे कि तालिबान को। ये ज्यादा दौड़ क्यों हुआ है मैं बताता हूँ, वीडियो बनने से मैं बताता हूँ। बताऊं क्यों हुआ है, ये जो इनके प्रेसिडेंट है ना अफगानिस्तान के, जो वो भागे हैं ना, वो गए हैं ताजिकिस्तान। वो अवाम को और हुआ कि यार ये तो बड़ा बैड सीन है, प्रेसिडेंट ही नहीं यहाँ पे रह रहा तो हमें तो इन्होंने बुरा हाल कर देना हमें मार मार के। तब अवाम वहां से मुझे लगता हुई है कि यार नहीं हमें भी जाना है, हमने भी निकलना है। तो इतनी फ्लाइट से तो कभी भी नहीं जा पाएंगे सारे। अभी इंडिया ने रिसेंट मैंने एक न्यूज़ सुनी है कि इंडिया ने 2-3 एयरक्राफ्ट भेजे हैं वहाँ पे कि वहाँ से इवैक्यूएट करें सबको जो इंडियंस हैं और जो अफगानिस्तान में जो लाइक आना चाहते हैं वो इवैक्यूएट करें। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान ने जो है अपना जो है ना गेट वो बॉर्डर वो खोल ही रखा था, लेकिन वहाँ से जो थे ना तालिबान भी एंटर हो रहे थे पाकिस्तान। अच्छा, में पाकिस्तान में आके मसले कर रहे थे और इधर दहशतगर्दी वगैरह कर रहे थे। इधर से तालिबान उधर जा रहे थे, जो इधर के दहशतगर्द हैं वो उधर जा रहे थे, उधर से इधर आ रहे थे। तो अब पाकिस्तान ने सैडली वहाँ पे बंद कर दिया बॉर्डर, जो है 99% सील कर दिया और अब पाकिस्तान भी नहीं ये लोग जा पा रहे, अब ताजिकिस्तान ही ये लोग जाएंगे। लेकिन बहुत बैड सीन है। अभी मैं एक और वीडियो देख रहा था, कल से मैं वीडियोज ही देख रहा हूँ इनकी, और
एक और वीडियो थी कि वो अंदर सारा प्रेसिडेंट हाउस में घुस गए हैं, उधर बैठ के वो लोग खाना खा रहे हैं सारा, मतलब कि उनके लिए तो वो एक जीत हुई है कि हमने जंग फतह कर लिया, यूएसए को हरा दिया है और क्या कहते हैं सुपर पावर को हमने हरा दिया है। लेकिन सबसे बड़ी गलती यूएस की है, जहाँ यूएस मिलता है मुझे लगता है कि ये जो है ना कुटना चाहिए यूएस को, जीव तुम लोग उनको जंग में घुसा गए और फिर भाग गए और सारा कुछ छोड़ के असला हर चीज छोड़ के, पता है अच्छा 20 साल इन्होंने झक मारी है वहाँ पे, जो इनसे तालिबान ने कंट्रोल हुए एक महीने में उन्होंने पूरा अफगानिस्तान उन्होंने कंकर्ड कर लिया एक महीने में, 20 साल वहाँ पे रहे हैं, इनको चाहिए था 20 साल अगर वहां पे रहे हैं, 2-3 साल तो निकालते अफगानिस्तानी फौजी, क्या करते रहे हैं उनको, क्या सिखाते रहे हैं अपना, बस वो मुझे लगता है यहाँ से जो है वो एक्सपोर्ट करते रहे हैं और बेसिस बनाते गए हैं, पता नहीं कुछ भी नहीं, एंड पे आ गए इधर चले गए वापस चले गए और वो बेचारे उनको पीछे छोड़ गए सारे। मैं तो अगर इतना मुश्किल, ये उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि अपनी जगह छोड़ के कहीं और जाना, ये मतलब आपको पता नहीं है कि आपने आगे कहाँ जाना है, कि अगर कहीं कि जिस जगह पे जा रहे हैं वो भी रखते हैं कि नहीं रखते, ये भी अभी नहीं पता है, बस ये है कि बस जा रहे हैं अपनी जान बचा के कि कहीं हम बच जाएं और यहाँ से चले जाएं। बड़ा बैड सीन है यार, और दुआ करते हैं अल्लाह इनको जो है वो हिफ्ज़ो अमान में रखे और जहाँ भी जाए सेफ रहे। और वैसे मैंने एक ये न्यूज़ में बड़ी फॉलो कर रहा हूँ ये तालिबान वाली, तो मैंने एक वो सुना भी था उनके स्पोक पर्सन ने कहा था कि अफगानी पीपल के साथ हमारा कोई रिवेंज नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंट के साथ थी और हमने गवर्नमेंट को हटा दिया है क्योंकि उन्होंने हटाया था, तो उस तरह करके ना उनके स्पोक पर्सन थे तो उन्होंने जो है वो बोला था कि हमारा उनसे कोई नहीं है, हम आवाम से कोई नहीं है, उनको मतलब वो सेफ फील कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अब लोग नहीं सेफ फील कर रहे, कह रहे हैं बात है तालिबान उनका इमेज ही वैसा बना हुआ जाहिर है, कोई भी यकीन नहीं कर पाता जाहिर है, बेशक वो हो जाए कौन यकीन कर पाता उन पे, वो उनकी बातों में भी कोई नहीं यकीन कर पाता कि यार ये ऐसे है, वो जिस तरह का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रह चुका है और जिस तरह से उन्होंने, लेकिन ये एक चीज हुई है कि इस जो सारे जो एरिया जो उन्होंने किए हैं ना कब्जा, ये इन सब में ना लोगों की जानें बहुत कम गई हैं, ये चीज़ अच्छी हुई है कि लोगों ने उधर सरेंडर कर दिया है कि ताकि जाने ना जाएं, और अशरफ गनी ने भी इसीलिए सरेंडर किया ताकि डेथ्स ना हो वहाँ पे, अगर वो वहाँ पे डटे रहते लोगों की जाने जाती इधर से तालिबान कर लेते, इससे अच्छा उन्होंने कहा यार ये ले लो पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर कहा था, लेकिन वो भाग गए क्योंकि उनको पता था कि यार इन्होंने मुझे छोड़ना नहीं है तालिबानों का इन्होंने, लेकिन उनको भी चाहिए वो जिधर भी गए हैं वहाँ जाके थोड़ा करें, अब सपोर्ट करें अपनी आवाम को, अब थोड़ा तो करें, नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, जाहिर है पूरा एरिया उन्होंने कर लिया, प्रेसिडेंट हाउस में घुस गए हैं और हर चीज़ कर लिया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तालिबान के हाथ में ही है वो, अब गवर्नमेंट अफगानिस्तान की, अब देखो क्या होता है इन फ्यूचर। बड़ा मुश्किल अब तो थोड़ा हालात लग रहे हैं, मुश्किल है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।